हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरपीएससी ज्ञान। इस वीडियो में हम आरपीएससी सेकंड ग्रेड साइंस के लिए जो है एनिमल किंगडम के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एडमिट कार्ड जो है वो आ चुके हैं और एग्ज़ाम जो है साइंस वालों का जीके का तो 31 को है और साइंस का जो पेपर है वो 1 को होगा नवम्बर में। तो चलिए शुरू करते हैं जल्दी से। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑलवेज होल्ड ट्रू फॉर कॉरस्पॉन्डिंग ग्रुप ऑफ एनिमल्स। यानी हमें एक तरफ तो कैरेक्टर्स दे रखे हैं और एक तरफ हमें जो है एनिमल्स दे रखे हैं, उनके कैरेक्टरिस्टिक जो है कौन से सही है, हमेशा जो सही होते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, विविपैरस मैमल्स। तो मैमल्स जो हैं वो लाइव बर्थ ही देते हैं और जो एम्ब्रियो है, जो बेबी है, वो पेरेंट के अंदर ही जो है डेवलप होता है और वो लाइव बर्थ जो है होता है। तो विविपैरस मैमल्स जो है ये एकदम सही है, मैमल्स हमेशा विविपैरस होते हैं। नेक्स्ट है कॉर्डेटा, पोजेस अ माउथ विद अपर एंड लोअर जॉ। जो कॉर्डेट्स होते हैं उनमें एक माउथ होता है जिसमें एक ऊपर और नीचे जो है जबड़ा होता है, तो लोअर और अपर जो होता है ये बिल्कुल सही है इसका। थ्री चैम्बर्ड हार्ट विद वन इनकम्प्लीटली डिवाइडेड वेंट्रिकल, रेप्टीलिया। तो ये इसके लिए हमेशा जो है ट्रू नहीं है, क्योंकि जो क्रोकोडाइल है, जो मगरमच्छ होते हैं, उनमें 4 चैम्बर्ड हार्ट पाया जाता है और बाकी सारे जो रेप्टाइल्स होते हैं उनमें 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है, जिसमें 2 तो एट्रिया रहता है और 1 वेंट्रिकल रहता है। ओके, एंड द नेक्स्ट इज कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन। कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन जो है वो कॉन्ड्रिकाइथिस का जो है, कार्टिलेजियस फिशेस जो है उनका ये एक कैरेक्टरिस्टिक है। उनकी जो एंडोस्केलेटन बोन से ना बनके कार्टिलेज की बनी होती है और ये गनेथोस्टोमेटा में आती हैं और वर्टिब्रेट जो इनके जॉ होते हैं उसमें आता है ये जो कार्टिलेजियस फिशेस है। और ये जो है फर्दर 2 सब क्लासेस में डिवाइड हो जाती है, एक तो है इलास्मोब्रैंक्स। इलास्मोब्रैंकी एंड द अदर वन इज होलोसिफेली। ओके, नाउ द सेकेंड क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक इज नॉट शेयर बाय बर्ड्स एंड मैमल्स। इनमें से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक जो है वो बर्ड्स और मैमल्स दोनों शेयर नहीं करते, यानी उन दोनों में कॉमन नहीं है। ब्रीदिंग जो यूजिंग लंग्स के थ्रू जो है ब्रीदिंग होती है मैमल्स में भी और बर्ड्स में भी, यानी जो फेफड़े होते हैं उनके थ्रू जो है श्वसन की क्रिया होती है। एक बार इसको छोड़ देते हैं। वार्म ब्लडेड नेचर, बिल्कुल दोनों का जो है वार्म ब्लडेड होते हैं ये। और ओसिफाइड एंडोस्केलेटन, एंडोस्केलेटन जो है हमारा बोन से बना रहता है मैमल्स में भी और बर्ड्स में भी। पर जो विविपैरिटी है दैट इज़ गिविंग लाइव बर्थ, एंड वो जो है सिर्फ मैमल्स का है। बर्ड्स जो है वो एग्स देते हैं, एग्स से जो है उनको बाहर जो है उनकी फर्टिलाइजेशन तो इंटरनल रहता है, लेकिन जो हैचिंग है वो बाहर होती है, बर्ड्स के एग्स में रहती है और एग्स से जो है उनकी जो बच्चे होते हैं वो निकलते हैं। तो ये जो कॉमन कैरेक्टर इनमें नहीं है विविपैरिटी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्योंकि बर्ड्स जो हैं वो ओविपैरस होते हैं, दे ले एग्स। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज नॉट प्रेजेंट इन फाइलम आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा में कौन सा कैरेक्टर जो है वो प्रेजेंट नहीं है? मेटामेरिक सेगमेंटेशन, बिल्कुल मेटामेरिक सेगमेंटेशन जो है वो आर्थ्रोपोडा का एक कैरेक्टरिस्टिक है। उनमें जॉइंटेड अपेंडेजेस रहते हैं और काइटिनियस एंडोस्केलेटन, जो एक्सोस्केलेटन जो है आर्थ्रोपोडा का वो काइटिन का बना होता है, इसलिए उसे हम काइटिनियस एक्सोस्केलेटन कहते हैं। तो ये 3 कैरेक्टर्स तो हैं आर्थ्रोपोडा के, बट दिस पैरापोडिया इज नॉट अ कैरेक्टर ऑफ आर्थ्रोपोडा। ये किसका कैरेक्टर? ये एनालिड्स का कैरेक्टर है। सो जो पैरापोडिया है वो काम आता है उनमें फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस, गैस एक्सचेंज करने के काम आता है पैरापोडिया इन एनालिड्स। एनालिड्स जो जैसे निमेटोड्स हैं वो एनालिड में आते हैं।
ये जो है दो पार्ट्स में डिवाइड रहता है, हर एक पैरापोडियम जो है अपर एंड लोअर सेक्शन में। सो द अपर सेक्शन सर्व, जो अपर सेक्शन है वो रेस्पिरेटरी फंक्शन करता है। एनेलिड जो है वो बाइलिटरली सिमेट्रिकल होते हैं। ये एनेलिडा का कैरेक्टर बता रहे हैं हम। और ट्रिप्लोब्लास्टिक सीलोमेट इनवर्टिब्रेट ऑर्गेनिजम्स हैं ये। और उसके अलावा पैरापोडियम का जो लोअर पार्ट है वो लोकोमोशन में काम आता है। अपर पोर्शन जो है वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए यूज़ होता है, एंड द लोअर पोर्शन वर्क्स एज अ लोकोमोटरी ऑर्गन इन एनेलिड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज नॉट प्रेजेंट इन पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना। जो पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना है यानी जो कॉकरोच है उसमें कौन सा फंक्शन नहीं है, फीचर जो है वो प्रेजेंट नहीं है। फर्स्ट है इंटरमीडिएट मिनेंट एंड रेडिकल क्लीवेज ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। तो कॉकरोच जो है उसमें इनडिटर्मिनेट, सॉरी ये इंटरमिनेट नहीं, इनडिटर्मिनेट एंड रेडिकल क्लीवेज ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, वो इसमें इनडिटर्मिनेट नहीं होती, उसमें डिटर्मिनेट जो है एंड रेडिकल क्लीवेज होती है ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। और कॉकरोच जो है वो डेवलप होता है किसमें, निम्फ में। और निम्फ जो है फुल्ली डेवलप हो जाता है कॉकरोच में, यानी इसकी लार्वल स्टेज जो है वो कॉकरोच की क्या है, निम्फ है। एक्सोस्केलेटन इज कंपोज्ड ऑफ एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन, ये सही है। मेटामेरिकली सेगमेंटेड बॉडी है क्योंकि एक आर्थ्रोपोड है, एंड साइजोसिलोम एज बॉडी कैविटी, ये भी सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द आइज ऑफ ऑक्टोपस एंड द आइज ऑफ अ कैट शो डिफरेंट पैटर्न्स ऑफ स्ट्रक्चर, येट दे परफॉर्म अ सिमिलर फंक्शन, दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। यानी ऑक्टोपस और कैट की आइज जो है उनकी डिफरेंट जो स्ट्रक्चर रहती है, आइज शेप जो है वो डिफरेंट रहती है, लेकिन वो सिमिलर फंक्शन करती हैं कि देखने का काम करती हैं। तो ये एग्जाम्पल जो है किसका है, ये एनालॉगस ऑर्गन्स हैं। एनालॉगस ऑर्गन्स दैट हैव इवॉल्व ड्यू टू कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, यानी अलग अलग जो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन ऐसे होता है, एंड द डाइवर्जेंट इवोल्यूशन इज दिस वे। सो इट इज़ एनालॉगस ऑर्गन्स है एंड दे हैव इवॉल्व ड्यू टू कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। एनालॉगस ऑर्गन्स जो हैं वो एनाटॉमिकली सिमिलर स्ट्रक्चर नहीं होते हैं, लेकिन वो सिमिलर फंक्शंस जो है परफॉर्म करते हैं, इसलिए जो एनालॉगस स्ट्रक्चर है वो रिजल्ट है किसका, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन का। क्योंकि जो डिफरेंट स्ट्रक्चर जो हैं सेम फंक्शन करते हो, डिफरेंट स्ट्रक्चर इवॉल्विंग डिफरेंटली फॉर डिफरेंट फॉर सेम फंक्शन एंड हैंस हैविंग सिमिलैरिटी, मतलब वो इवॉल्व तो अलग अलग उससे हुए हों लेकिन उनका फंक्शन जो है वो सेम हो, तो वो क्या होते हैं, एनालॉगस ऑर्गन्स होते हैं, एंड दे आर डेवलप्ड ड्यू टू कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। नाउ द होमोलोगस ऑर्गन्स जो कि डिफरेंट अडेप्टेशन जो है उनकी वजह से डेवलप हुए हों, ड्यू टू डिफरेंट नीड्स उनकी वजह से जो है डेवलप हुए हों, तो ये डाइवर्जेंट इवोल्यूशन का एग्जाम्पल है। इनमें जो स्ट्रक्चर रहता है वो सेम रहता है पर उनका फंक्शन जो है वो अलग होता है, दे आर होमोलोगस ऑर्गन्स। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सिनेटरी सी एनिमल गेट्स अटैच टू द शेल लाइनिंग ऑफ अ हर्मिट क्रैब, दिस एसोसिएशन इज कॉल्ड इट। जैसे ये क्रैब है, एक अज्यूम कर लो कि ये क्रैब है, तो जो सी एनिमल है वो इसके ऊपर ऐसे लग जाता है। तो ये जो एसोसिएशन है इसे कौन सी एसोसिएशन कहते हैं, सो ये जो है कमेंसलिज्म का एग्जाम्पल है। कमेंसलिज्म ये एक तरह का म्यूचुअलिज्म है, इट्स अ टाइप ऑफ म्यूचुअलिज्म, जिसे हम प्रोटो कॉर्पोरेशन भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं इसे, प्रोटो कॉर्पोरेशन।
सी एनिमल जो है वो ग्रो होता है ऑन द बैक ऑफ हर्मिट क्रैब. इट प्रोटेक्ट्स द क्रैब विद द हेल्प ऑफ निमेटोसाइट जो प्रेजेंट रहते हैं इसके ऊपर. उससे ही ये जो है जो निमेटोसिस्ट होती है एनिमल की, उससे ये जो है हर्मिट क्रैब को प्रोटेक्ट करते हैं. और एक्टो पैरासाइट है ये. इट लिव्स आउटसाइड द बॉडी, होस्ट बॉडी. जैसे कि ह्यूमन बॉडी में लाउज हैं, जो जुए हैं, लाइस वगैरह. एंड इन दिस इंट्रैक्शन द पैरासाइट गेट्स द बेनिफिट एट द एक्सपेंस ऑफ द होस्ट. यानी इसमें जो पैरासाइट है उसको तो फ़ायदा होता है, बट द होस्ट जो होता है उसे नुकसान होता है इससे. नहीं, वो म्यूचुअलिज्म में होता है कि एक को नुकसान हो रहा है और एक को जो है फ़ायदा हो रहा है. एंड कमेंसलिज्म में जो है ना तो किसी को फ़ायदा होता है ना किसी को नुकसान होता है. ये जो है दोनों को, या तो इसमें बेनिफिट होगा और किसी भी स्पीशीज़ को जो है हार्म नहीं होगा. ये होता है कमेंसलिज्म. यानी जो हर्मिट क्रैब को कौन बचा रहा है, जो उसी एनिमल है वो उसको बचा रहा है. ओके. और जो एमेंसलिज्म है उसमें क्या होता है, एक स्पीशीज़ हार्म होती है जबकि दूसरी स्पीशीज़ जो है वो अनअफेक्टेड रहती है. मतलब एक को तो नुकसान होता है और एक को कोई भी जो है फ़र्क नहीं पड़ता है. एंड प्रीडेशन जो होता है वो एक तरह का पैरासिटिज्म है. एंड कमेंसलिज्म शेयर अ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक, द इंटरेक्टिंग स्पीशीज लिव क्लोजली टुगेदर. सो जो एक्टो पैरासिटिज्म है उसका एग्जाम्पल हम देख सकते हैं ह्यूमन्स एंड द लाइसिस, जो जिसमें कि ह्यूमन्स को जो नुकसान होता है और लाइसिस को जो है बेनिफिट होता है. एंड सिम्बायोसिस में जो है दोनों को फ़ायदा होता है सिम्बायोसिस में. एंड कमेंसलिज्म में भी जो है दो ना तो किसी को नुकसान होता है ना किसी को जो है फ़ायदा. अगर फ़ायदा हुआ तो दोनों को होगा और नुकसान जो है किसी को नहीं होगा. एंड एमेंसलिज्म में जो है एक को फ़ायदा होगा और एक को नुकसान होगा. नेक्स्ट है अ जॉलेस फिश विच लेज एग इन फ्रेश वाटर एंड हुज अकोमोडेट्स लार्वे आफ्टर मेटामॉर्फोसिस रिटर्न टू द ओशन इज. एक जॉलेस फिश जो कि फ्रेश वाटर में अपने अंडे देती है और उसके जो लार्वा हैं वो मेटामॉर्फोसिस के बाद जो है वापस ओशन में आ जाते हैं. तो वो कौन सी फिश है? वो है पेट्रोमाइजोन, और इसे हम लैम्प्रे भी कहते हैं. वी कॉल इट लैम्प्रे एज वेल. सो ये जो है बिलोंग करती है एगेनेथा को. वर्टिब्रेट्स का सब फाइलम, वर्टिब्रेट्स का जो है ये एगेनेथा सेक्शन को बिलोंग करती है. इनकी जो है लॉन्ग ग्रीनिश ब्राउन सिलेंड्रिकल बॉडी होती है विथ स्मूथ स्केललेस और स्लाइमी स्किन रहती है एंड जॉलेस माउथ होता है. तो ये जो है फ्रेश वाटर में जाके अपने अंडे देती हैं और फिर जो इनके लार्वा होते हैं वो मेटामॉर्फोसिस के बाद जो है वापस ओशन में आ जाते हैं. तो पेट्रोमाइजोन जो है. नेक्स्ट क्वेश्चन है द काइटिनियस एंड एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड इज फॉर्म बाय पॉलीमराइजेशन ऑफ. यानी जो आर्थ्रोपोड्स का काइटिनियस एक्सोस्केलेटन है वो किसके पॉलीमराइजेशन से जो है बना है? तो अभी हमने ऊपर पढ़ा था कॉकरोच के बारे में. तो वो है एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइल, ग्लूकोज अमीन जो है उससे बना होता है ये इसका जो है मोनोमर रहता है इसके पॉलीमराइजेशन से. एन एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन के पॉलीमराइजेशन से जो है काइटिनियस एक्सोस्केलेटन बनता है आर्थ्रोपोड्स का. ये डेरिवेटिव है किसका? ग्लूकोज का. और काइटिन जो है वो किसकी भी कैरेक्टरिस्टिक कंपोनेंट है सेल वॉल की? फंगस. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है मेटाजेनेसिस रिफर्स टू. मेटाजेनेसिस जो है वो क्या होता है? सो द मेटाजेनेसिस इज
अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बिटवीन ए सेक्शुअल एंड सेक्शुअल फेज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, यानी एक ऑर्गेनिज्म के सेक्शुअल और ए सेक्शुअल फेज के बीच में जो है जनरेशन्स का अल्टरनेशन होता हो, उसे हम क्या कहते हैं, मेटाजेनेसिस। इसमें जो है रिप्रोडक्शन कैरेक्टर्स जो होते हैं वो ऑल्टर होते हैं, ऑफ अ सेक्शुअल जनरेशन एंड अ जनरेशन दैट रिप्रोड्यूस ए सेक्शुअली। ठीक है, एक बार सेक्शुअली रिप्रोड्यूस होंगे, एक बार ए सेक्शुअली रिप्रोड्यूस होंगी, फिर से सेक्शुअली, फिर से ए सेक्शुअली। सो ऐसा ऑल्टरनेटली जो है वो रिप्रोड्यूस होंगे, तो उसे हम क्या कहते हैं, मेटाजेनेसिस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन सजेस्टेड बाय आर एच विटाकर इज नॉट बेस्ड ऑन। तो आर एच विटाकर ने जो अपनी फाइव सिस्टम दी थी क्लासिफिकेशन की, वो किस पे बेस्ड नहीं है? प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, इसको हम बाद में देखेंगे। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन बिल्कुल इस पर बेस्ड है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन इस पर भी बेस्ड है, एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन ये भी जो है उसका बेसिस है। बट द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस जो है, ये इसकी क्लासिफिकेशन का बेसिस नहीं है। ठीक है, तो इसमें एक तो कॉम्प्लेक्सिटी है सेल स्ट्रक्चर की, उसके अलावा बॉडी स्ट्रक्चर, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इकोलॉजिकल लाइफ साइकिल जो है इंक्लूडिंग द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन का मोड जो है वो है, एंड द फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। ये पांच बेसिस हैं उसकी डिवीजन की जो है क्लासिफिकेशन की, और उसने डिवाइड किया था मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे एंड एनिमेलिया। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बॉडी हैविंग मैश वर्क ऑफ सेल्स, इंटरनल कैविटीज लाइन विथ फूड फिल्टरिंग फ्लैजुलेटेड सेल्स एंड इनडायरेक्ट डेवलपमेंट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फाइलम, यानी ऐसी जिनकी बॉडी में जो है मैश वर्क ऑफ सेल्स का, और इंटरनल बॉडी कैविटी जो है वो लाइन ऑफ विद द फ्लैजुलेटेड सेल्स है, और उनका इनडायरेक्ट डेवलपमेंट जो है वो कैरेक्टरिस्टिक है इस फाइलम का, तो वो है पोरीफेरा, दैट इज जो स्पंजेस हैं वो एसिमेट्रिकल होते हैं, उनकी बॉडीज जो है एसिमेट्रिकल होते हैं, और उनमें टिश्यू ऑर्गन जो है, टिश्यू भी नहीं होते हैं उनमें और ऑर्गन्स भी नहीं होते, वो सेल जो है उनकी ऑर्गेनाइजेशन रहती है, और इसमें चैनल्स होते हैं जो सराउंडेड रहते हैं मैश वर्क ऑफ सेल से, और जो ओपन होते हैं आउटसाइड थ्रू अ पोर एंड एक्सपेंड इनटू द इंटरनल कैविटीज लाइन विद द फूड फिल्टरिंग फ्लैजुलेट्स, जिनको हम कोइनोसाइट्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट द टैक्सॉन मेंशन दैट रिप्रेजेंट बोथ मरीन एंड फ्रेश वाटर स्पीशीज। ऐसा टैक्सॉन हमें जो है सेलेक्ट करना है इसमें से, जिसमें मरीन भी हो और फ्रेश वाटर स्पीशीज भी हो, दोनों तरह की स्पीशीज जो है वो किस में पाई जाती हैं। तो जो निडेरिया है उसमें फ्रेश वाटर एज वेल एज मैरीन एनवायरनमेंट की जो है फिशेस पाई जाती हैं, टीनोफोरा, एंसिफेलोकॉर्डेटा और इकाइनोडर्म्स जो हैं वो एक्सक्लूसिवली, ये तीनों क्या हैं, एक्सक्लूसिवली मरीन हैं। यानी ये सिर्फ जो है खारे पानी में ही पाई जाएंगी, और जो मीठे पानी में और खारे पानी में दोनों में पाए जाते हैं वो होते हैं निडेरिया। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स कम्प्लीटली लैक्स अ सेल वॉल, इसमें से कौन से में जो है कम्प्लीट सेल वॉल जो है नहीं होती है? साइनोबैक्टीरिया, सी फैन जिसे हम गॉर्गोनिया भी कहते हैं, सेक्रोमाइसिस एंड ब्लू ग्रीन एल्गी। सो इसमें से जो है जो सी फैन है, जो गॉर्गोनिया है, वो उसमें क्या नहीं होता है, सेल वॉल नहीं होती है। ये जो है निडेरिया ऑर्डर का है, निडेरिया फाइलम से है ये, और इसका ऑर्डर जो है वो गॉर्गोनियेसी है।
क्योंकि ये एक एनिमल है इसलिए इसमें सेल वॉल नहीं होगी, ठीक है। बाकी साइनोबैक्टीरिया, सेक्रोमाइसिस और ब्लू ग्रीन एल्गी, ये सब जो है किससे बिलोंग करते हैं? साइनोबैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी जो है वो एल्गी हैं और वो किंगडम मोनेरा से बिलोंग करती हैं। तो इनकी जो सेल वॉल होती है वो पेप्टाइडोग्लाइकेंस की बनी रहती है। किसकी बनी होती है? जो साइनोबैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी, ये एक ही हैं। इनको जो है ये मोनेरा से हैं और इनकी सेल वॉल किससे बनती है? पेप्टाइडो ग्लाइकेन से जो है फॉर्म होती है इनकी सेल वॉल। ओके। और सेक्रोमाइसिस जो है वो फंजाई है, एक फंगस है वो। तो इसकी ये जो है जो यीस्ट होता है उसकी बहुत सारी स्पीशीज़ जो है इसमें इंक्लूड रहती है। और यीस्ट जो फंजाई है उसका कैरेक्टरिस्टिक होता है कि उसकी जो सेल वॉल है वो किसकी बनी होती है? काइटीन की। सो इसकी सेल वॉल जो है काइटीन की बनी है और इनकी जो है पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी है। जो सी फैन है वो निडेरिया ग्रुप का है और एनिमेलिया फाइलम, निडेरिया एनिमेलिया किंगडम, निडेरिया फाइलम एंड ऑर्डर जो है गॉर्गेनियसी। सो इट्स एन एनिमल और एनिमल्स में जो है सेल वॉल नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेनेरिया पॉजेस हाई कैपेसिटी ऑफ। सो प्लेनेरिया जो है उसमें इनमें से कौन सी जो है कैपेसिटी हाईएस्ट रहती है? मेटामॉर्फोसिस, रीजनरेशन, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन और बायोल्यूमिनेसेंस। सो जो प्लेनेरिया है उसमें रीजनरेशन की पावर जो है वो क्या रहती है? मैक्सिमम रहती है। ये एक टाइप का प्लेटफॉर्म है प्लेनेरिया, और प्लेटीहेलमिंथिस को बिलोंग करता है। जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं सारे किसको बिलोंग करते हैं? प्लेटीहेलमिंथिस को। ये सिंपलेस्ट फॉर्म है मल्टी सेलुलर एनिमल का और इसमें हाईएस्ट कैपेसिटी होती है रीजनरेशन की ऑफ न्यू टिश्यूज़। जब इसमें कहीं घाव हो जाए तो वहाँ पे जल्दी से जो है रीजनरेशन हो जाता है और ये इसकी हाईएस्ट जो है कैपेसिटी है। जैसे ये जो है सेल प्रोलीफ्रेशन के थ्रू जो है फॉर्म होता है ये, एंड जो रीमॉडलिंग ऑफ प्री एग्जिस्टिंग टिश्यू टू रीस्टोर सिमेट्री एंड प्रोपोर्शन। तो रीजनरेशन की पावर जो है मैक्सिमम होती है प्लेनेरिया में। और ये क्यों होती है? क्योंकि जो इनमें रियोब्लास्ट सेल होते हैं उनकी वजह से जो रीजनरेशन की पावर होती है इनमें मैक्सिमम होती है। ये सेल्स जो हैं इसकी पूरी बॉडी में स्कैटर रहते हैं, मतलब बिखरे हुए रहते हैं, और ये किसी भी तरह के डेवलपमेंट में जो है पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उसके लिए एबल होते हैं ये। ये नियोब्लास्ट सेल हैं, सॉरी नियोब्लास्ट सेल, जिनकी वजह से जो है रीजनरेशन की पावर होती है प्लेनेरिया में। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ मरीन कार्टिलेजिनस फिश दैट कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट, यानी जो खारे पानी में जो पाई जाती है कार्टिलेजिनस फिश जो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस कर सकती है, इनमें से वो कौन सी है? तो वो है टॉर्पीडो। टॉर्पीडो एक मरीन कार्टिलेजिनस फिश है जो 8 से लेके 220 वोल्ट तक का जो है इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोड्यूस करती है। उसकी स्पीशीज़ पे डिपेंड करता है, यानी चार्ज जो है इसका इतना वेरी करता है 220 तक, 8 वोल्ट से लेके 220 वोल्ट तक। इनके जो इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स हैं वो मॉडिफाइड लेटरल मसल्स हैं ऑफ प्लेट इन्वर्टेड बाई जो क्रेनियर नर्व्स हैं उनसे ये बनी होती हैं। टाइगन जो है वो क्या है? एक स्टिंग रे है। टाइगन इज ए जो ट्राइगन है ये स्टिंग रे है, कुछ ऐसी होती है। ये इलेक्ट्रिक रे से रिजेंबल करती है बट इसमें इलेक्ट्रिसिटी डिस्चार्ज नहीं होता है क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने वाले ऑर्गन्स ही नहीं होते हैं। और स्कॉलोडियन जो है, इसकी स्पेलिंग थोड़ी सी ऐसी लो, आई ओडियन, स्कॉलोडियन यानी जो डॉग फिश है, ये जो है अपने ग्रेट सेंस ऑफ स्मेल के लिए जानी जाती है, इसीलिए हम इसे डॉग फिश भी कहते हैं। और प्रिस्टिस जो है वो क्या है? एक कॉमन सॉ फिश है।
और इसे कारपेंटर शार्क भी कहते हैं क्योंकि इसकी लंबी सी पतली सी और फ्लैट जो है रोस्ट्रम होता है, जिसमें इस तरह से ये जो फिश है इसकी लंबी और यहाँ जो है तीखे तीखे से ऐसे ये शार्प रहता है, इसलिए हम इसे जो है सॉ फिश कहते हैं। सो जो टॉर्पीडो है दैट इज अ मरीन कार्टिलेजियस फिश विच प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग द जीनस नेम इट्स टू कैरेक्टरिस्टिक एंड इट्स फाइलम आर नॉट करेक्टली मैच्ड वेर द रिमेनिंग थ्री आर करेक्ट। तो इसमें से हमें बताना है कि कौन सा जो है वो करेक्टली मैच नहीं है और बाकी के जो सारे हैं वो सही हैं। तो सबसे पहला है पाइला। पाइला जो है इसमें दे रखा है बॉडी सेगमेंटेड, माउथ विथ रेड्यूला और इसका फाइलम है मोलस्का। तो पाइला जो है वो क्या होता है, मोलस्क क्या होते हैं, बाइलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक रहते हैं, सिलोमेट होते हैं और सॉफ्ट बॉडी एनिमल होते हैं। इसका यही जो है वो गलत है। उनकी जो सॉफ्ट बॉडी रहती है वो कवर रहती है कैल्केरियस शेल से और ये अनसेगमेंटेड होते हैं, बॉडी इनकी सेगमेंटेड नहीं रहती है, अनसेगमेंटेड होते हैं विद अ डिस्टिंक्ट हेड, मस्कुलर फुट एंड विस्ट्रल हम्प। तो पाइला जो है इसका एग्जाम्पल तो है मोलस्का, एप्पल स्नेल, लेकिन ये जो कैरेक्टरिस्टिक है ये इसमें गलत दे रखे हैं। ठीक है, बॉडी सेगमेंटेड नहीं होती है इनकी। इसके अलावा इसका एग्जाम्पल है सीपिया, दैट इज़ कटल फिश, और पर्ल ओइस्टर जो है पेनेक्टेडा, जैसे हमें पर्ल मिलता है जो मोती मिलते हैं, और बाकी जो है एस्ट्रीसिया इकाइनोडर्मेटा को बिलोंग करता है, स्पाइनी स्किन स्किन होते हैं और वाटर वैस्कुलर सिस्टम जो है इनमें प्रेजेंट रहता है। इसके अलावा साइकॉन जो है वो पोरीफेरा को बिलोंग करता है और पोर बियरिंग कैनाल सिस्टम होता है इनमें, ये पोर बियरिंग होते हैं और इनमें कैनाल सिस्टम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज़ रॉन्गली मैच्ड, इनमें से कौन सा पेयर जो है वो रॉन्गली मैच्ड है यानी सही नहीं है। तो फर्स्ट है जिंको, आर्किगोनिया ये इसका बिल्कुल सही है, उसके बाद है वायरॉइड्स, वायरॉइड्स में जो है आरएनए होता है, मस्टर्ड जो है सिनर्जिड्स फॉर्म करते हैं, बिल्कुल सही है, लेकिन जो साल्विनिया है उस वो प्रोथैलस जो है उसमें नहीं होता है, ये एक हेट्रोस्पोरस वाटर फर्न है साल्विनिया। क्या है ये एक, हेट्रोस्पोरस वाटर फर्न है ये। सो इसकी माइक्रोस्पोरेंजिया एंड मेगास्पोरेंजिया जो है वो इस पे जो स्पेशल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होती है जिनको ये स्पोरोकार्प कहते हैं हम। वायरेट जो है सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए मॉलिक्यूल होते हैं और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है आर्किगोनिया होता है जिम्नोस्पर्म्स में, जिनको एक जिम्नोस्पर्म है और आर्किगोनिया जो है उसका क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, ये बिल्कुल सही है। और जो स्पोरोकार्प्स होते हैं ये बने हैं, ये मोनोस्पोरेंजियट होते हैं यानी ये सिर्फ एक ही तरह का, या तो सिर्फ माइक्रोस्पोरेंजिया बियर करेंगे या फिर मेगास्पोरेंजिया जो है बियर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एनिमल्स आर सिमिलर टू ईच अदर पर्टेनिंग टू द फीचर स्टेटेड अमंग अगेंस्ट देम। तो इनमें से जो है कौन सा पेयर जो है सिमिलर है कैरेक्टर्स के बेसिस पे, पहला है टेरोपस एंड ऑर्निथोकाइनस विविपैरिटी, ये जो है बिल्कुल सही है इसका, ये दोनों जो है कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैं और नहीं सॉरी ये जो ऑर्निथोकाइनस जो है ये ओविपैरस, हमको सिमिलर बताना है सिमिलर, तो ये ओवी पैरस है एंड दिस इज़ वीवी पैरस, तो ये गलत हो गया।
गार्डन लिजर्ड एंड क्रोकोडाइल थ्री चैम्बर्ड हार्ट, ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि क्रोकोडाइल में हमने अभी पढ़ा था ऊपर कि फोर चैम्बर्ड हार्ट रहता है उसमें। फिर है एस्कैरिस एंड एनसाइक्लोस्टोमेटा, एस्कैरिस और एनसाइक्लोस्टोमेटा आर मेटामेरिक सेगमेंटेड। तो मेटामेरिक सेगमेंटेशन जो है वो किस में पाया जाता है, एनिलीड्स में पाया जाता है, एनिलीडा में पाया जाता है, एस्कैरिस में नहीं पाया जाता है। एस्कैरिस जो है एक नीमेटोडा है। तो ये भी गलत हो गया। नाउ द सी हॉर्स एंड फ्लाइंग फिश, ये दोनों जो है कोल्ड ब्लडेड एनिमल है, बिल्कुल सही है, पोइक्लोथर्मल सही है, और ये ही कैरेक्टर जो है इन दोनों का मैच करता है। ये पाइसेस के हैं एंड दे बिलोंग टू फिश, दे आर फिश। सी हॉर्स भी एक फिश है और ये पाइसेस से बिलोंग करते हैं और कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैं, ये बिल्कुल सही है, बाकी सब जो है वो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ द एनिमल्स इज करेक्टली डिस्क्राइब विद नो सिंगल एक्सेप्शन इट, यानी इनमें से जो है कौन सा करेक्टली डिस्क्राइब है उसमें कोई भी एक सिंगल भी एक्सेप्शन नहीं होना चाहिए। ऑल रेप्टाइल्स पर द स्केल हैव अ थ्री चैम्बर्ड हार्ट एंड आर कोल्ड ब्लडेड पोइक्लोथर्मल। तो थ्री चैम्बर्ड हार्ट वाला गलत हो गया क्योंकि क्रोकोडाइल जो है वो फोर चैम्बर्ड होते, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। ऑल स्पंजेस आर मरीन एंड हैव कॉलर्ड सेल्स, ये भी गलत है। ऑल मैमल्स आर विविपैरस एंड पॉजेस डायफ्राम फॉर ब्रीदिंग। तो ये जो है डायफ्राम फॉर ब्रीदिंग जो है ये भी गलत है, क्यों? ऑल बोनी फिशेज हैव फोर पेयर ऑफ गिल्स एंड एंड एन ऑपरकुलम ऑन ईच साइड। तो ये जो है बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है कि हर एक बोनी फिश में जो है चार पेयर होते हैं गिल्स के, एक ऑपरकुलम होता है हर एक साइड में। प्रोटोथीरियन मैमल्स जो हैं क्या होते हैं, ओवी पैरस होते हैं। प्रोटोथीरियन मैमल्स दे आर ओवी पैरस। स्पॉन्जेस जो है वो एक्वेटिक होते हैं, मोस्टली मरीन होते हैं और कुछ उसमें फ्रेश वाटर भी पाए जाते हैं, और उनमें क्या पाई जाती है, सेलुलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाई जाती है क्योंकि इनमें सेल होते हैं, टिश्यूज और ऑर्गन्स वो नहीं होते हैं। कोएनोसाइट्स और कॉलर सेल्स, जो कॉलर सेल्स है और इसे हम कोएनोसाइट्स भी बोल सकते हैं, ये जो है कैरेक्टरिस्टिक है किसकी, पोरीफेरा की, यानी जो स्पंजेस है उनकी। और फोर पेयर ऑफ गिल्स अकर इन बोनी फिशेस, बोनी फिश में जो है चार पेयर होते हैं गिल्स के और एक ओपरकुलम होता है ऑन ईदर साइड। और रेप्टाइल जो है वो स्केल्स होती है सब में, लेकिन वो कोल्ड ब्लडेड भी होते हैं, लेकिन अभी हमने पढ़ा था कि चार चैम्बर हार्ट जो है वो क्रोकोडाइल में होता है और बाकी में थ्री चैम्बर हार्ट रहते हैं। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंसेक्ट्स ऑन लैंड, यानी इनमें से कौन सा कैरेक्टर जो है रिस्पॉन्सिबल है फॉर डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंसेक्ट्स ऑन लैंड। तो उनका जो एक्सोस्केलेटन होता है जो कि प्रोटीन से बना रहता है, स्क्लेरेटोन से, स्क्लेरोटीन से और काइटीन से, तो ये जो है उनको क्या बनाते हैं, उनको कैरेक्टरिस्टिक देते हैं अलग इंसेक्ट्स को। सो ये जो है काइटिन और प्रोटीन का जो रेशियो है, जो ये डिपेंड करता है उनके जो हैबिटेट है, जो उनका एनवायरनमेंट है उस पर डिपेंड करता है कि किस तरह का जो है उनका एक्सोस्केलेटन बनेगा। तो रिजिड और स्ट्रॉन्ग जो नेचर होता है एक्सोस्केलेटन का वो होता है इंसेक्ट्स टू बिकम कॉम्प्लेक्स एंड डाइवर्सिफाई विद रिगार्ड टू साइज, शेप, कलर एंड अडेप्टेबल
जो मॉडिफिकेशंस रहते हैं उनके ऊपर जो बेस्ड रहता है उनका एक्सोस्केलेटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एंडो पैरासाइट ऑफ ह्यूमन डज शो विविपैरेटी। इनमें से कौन सा है जो ह्यूमन्स का एंडो पैरासाइट है और वो अंदर विविपैरेटी शो करता है। सो जो ट्रिकिनेला स्पायरलिस है वो ह्यूमन की जो इंटेस्टाइन है वहाँ पे कॉपुलेट होता है, और जो मेल है वो मर जाता है कॉपुलेशन के बाद, और जो फीमेल है वो लार्वा प्रोड्यूस करती है। सो जो लार्वा प्रोडक्शन है वो विविपैरेटी को शो करता है। उसके बाद जो लार्वा है वो मसल्स में चले जाते हैं ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू। सो ये जो है विविपैरेटी शो करता है ट्रिकिनेला स्पायरलिस। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स इज नॉट विविपैरस। इसमें से कौन सा जो है वो विविपैरस नहीं है। तो हम सब जानते हैं कि फ्लाइंग फॉक्स जो बैट है वो विविपैरस है। एलिफेंट जो है वो भी जो है बच्चे पैदा करते हैं। वेल्स जो है वो भी बच्चे देती है। जो प्लैटीपस ये एक मैमल है लेकिन ये जो है विविपैरस नहीं है। ये एक प्रोथीरिया है, और प्रोथीरियम जो मैमल्स हैं वो क्या करते हैं अंडे देते हैं क्योंकि फर्दर डिवाइड होते हैं। उनकी जो प्लेसेंटल मैमल्स हैं दे कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू मैटाथीरिया एंड यूथीरिया। सो प्लैटीप्लस जो है वो एक प्रोथीरिक मैमल है और एक ओविपैरस है, जबकि बैट और एलिफेंट और वेल जो है वो यूथीरिया हैं। क्या है ये तीनों यूथीरिया है। विच गिव बर्थ टू देयर यंग वंस। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ एनिमल इज करेक्टली मैच विद इट्स वन कैरेक्टरिस्टिक फीचर विदाउट इवन अ सिंगल एक्सेप्शन। कॉर्डेटा पोजेस अ माउथ प्रोवाइडेड विद एन अपर एंड लोअर जॉ। कॉन्ड्रिकाइटिस पोजेस एंड जो कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन। ये बिल्कुल सही है इसका। सारे मैमल्स जो हैं वो यंग वंस को बर्थ नहीं देते हैं। रेप्टिलिया में थ्री चैम्बर्ड हार्ट जो है नहीं होता है, वो एक एक्सेप्शन है इसमें, क्रोकोडाइल। नेक्स्ट है, यूरिकोटेलिक मोड ऑफ पासिंग आउट ऑफ नाइट्रोजिनस वेस्ट इज़ फाउंड इन। यानी यूरिकोटेलिक मोड जो है नाइट्रोजनस वेस्ट निकालने का वो किस में होता है। तो वो जो होता है रेप्टाइल्स और बर्ड्स में होता है। रेप्टाइल्स बर्ड्स और जो इंसेक्ट्स होते हैं और स्नेल्स होते हैं वो एक्सक्रीट करते हैं नाइट्रोजनस वेस्ट एज यूरिक एसिड। सो इससे क्या होता है कि इनसे इनके शरीर से जो है वाटर का लॉस जो है वो मिनिमम होता है। सो इनका ये एक अडेप्टेशन है। सो यूरिक एसिड के फॉर्म में ये जो है एक्सक्रीटरी मटेरियल को एक्सक्रीटा है इनका। सो मिनिमम लॉस ऑफ वाटर एंड कॉल यूरिकोटेलिक मोड ऑफ जो एनिमल्स हैं ये यूरिकोटेलिक एनिमल्स कहलाते हैं, बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स। नेक्स्ट है, ऑन वेरी स्पेशल वन वेरी स्पेशल फीचर इन द अर्थ फॉर्म फेरेटीमा इज दैट। अर्थ फॉर्म फेरेटीमा का एक स्पेशल फीचर जो है वो क्या है। तो वो है कि एटाइफलोसोल ग्रेटली इंक्रीज द इफेक्टिव अब्जॉर्प्शन एरिया ऑफ द डाइजेस्टेड फूड इन द इंटेस्टाइन। जो टाइफलोसोल है ये होते हैं एक शॉर्ट एंड कॉनिकल इंटेस्टाइनल सी के प्रोजेक्टेड फ्रॉम द इंटेस्टाइन ऑन द 26th जो सेगमेंट रहता है किसका, अर्थवॉर्म का, वहाँ से ये बाहर प्रोजेक्टेड रहता है। और ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है जो कि 26th से लेके 35th तक जो है सेगमेंट के बीच में ही रहते हैं। और इनको जो है हम टाइफोसोल्स कहते हैं। और ये क्या करते हैं, एब्जॉर्प्शन के लिए इंटेस्टाइन की जो एब्जॉर्प्शन का एरिया है उसको इंक्रीज करते हैं टाइफोसोल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग जीनस नेम इट
टू कैरेक्टर्स एंड इट्स क्लास फाइल एम आर करेक्टली मैच, इनमें से कौन सा जो है करेक्टली मैच्ड है? सो फर्स्ट है जीनस दे रखा हमें सेलामेंडर, और इसके कैरेक्टर है ए टिम्पैनम, रिप्रेजेंट्स ईयर, एक टिम्पैनम प्रेजेंट रहता है जो कि ईयर को रिप्रेजेंट करता है, और ये एम्फीबिया क्लास को बिलोंग करता है। ये बिल्कुल सही है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज टोटली रॉन्ग अबाउट द अकरेंस ऑफ द नोटोकॉर्ड व्हाइल द अदर थ्री आर करेक्ट। इनमें से जो है कौन सा रॉन्ग स्टेटमेंट है अबाउट द अकरेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, नोटोकॉर्ड के बारे में जो है? तो इट इज़ प्रेजेंट ओनली इन द लार्वल टेल इन एस्किनीडियंस। तो ये जो है ऐसी एसिडियंस जो है उनकी लार्वल टेल्स में प्रेजेंट रहता है। ये बिल्कुल सही है। इट रिप्लेस बाय द वर्टिब्रल कॉलम इन अडल्ट फ्रॉग। ये भी बिल्कुल सही है। जो नोटोकॉर्ड होती है वो अडल्ट फ्रॉग में जो है वर्टिब्रल कॉलम में चेंज हो जाती है। इट इज़ एब्सेंट थ्रू आउट लाइफ इन ह्यूमन्स फॉर द वेरी बिगनिंग। ये गलत है। इसमें ह्यूमन्स में जो है ये एब्सेंट नहीं रहती है थ्रू आउट लाइफ, क्योंकि एम्ब्रियो जो होता है हमारा, भ्रूण अवस्था जो रहती है उसमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट रहती है। और उसके बाद जो है ये वर्टिब्रल कॉलम में चेंज हो जाती है। इट इज़ प्रेजेंट थ्रू आउट लाइफ इन एम्फियोक्सिस। ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है द पैथोजन माइक्रोस्पोरम रिस्पॉन्सिबल फॉर रिंगवर्म डिजीज इन ह्यूमन बिलोंग्स टू द सेम काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म एज दैट ऑफ, यानी जो माइक्रोस्पोरम जो कि रिंगवर्म डिजीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है ह्यूमंस में, तो वो कौन से जो है ऑर्गेनिज्म के सिमिलर है? तो वो जो है राइजोपस, एक मॉल्ड जो है उसके बिल्कुल सिमिलर है, और जो फंजाई जो है वो जनरा माइक्रोस्पोरम से बिलोंग करती हैं बहुत सारी। उसके अलावा ट्राइकोफाइटॉन और एपिडर्मोफाइटॉन। को बिलोंग करती है जो फंजाई है। तो ये जो है रिंगवर्म के लिए रिस्पॉन्सिबल रहती है, और मोस्ट कॉमन इन्फेक्शियस डिजीज़ जो है ये मैन में है रिंगवर्म की, जो दाद हो जाता है। माइक्रोस्पोरम जो है मेंबर है क्लास ड्यूटेरोमाइसिटीज का, जो फंजाई इम्परफेक्टी है उसकी ये जो है एक मेंबर है। एंड राइजोपस जो है जिसे हम ब्रेड मॉल्ड भी कहते हैं, जो ब्रेड पे जो काला काला सा उगाता है थोड़े दिनों के बाद, अगर ब्रेड ब्रेड को हम जो है ऐसे ही रख दे, तो ये जो है जाइगोमाइसिटीज का मेंबर है। किसका है? जाइगोमाई सिटीज का। सो इसके ये सिमिलर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमें यहाँ कुछ डायग्राम दे रखे हैं, और हमें जो है सेलेक्ट द करेक्ट आंसर विद रिस्पेक्ट टू कॉमन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टू एनिमल्स। इनमें से कौन से दो एनिमल्स के जो है करेक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो कॉमन है? सो एक तो हमें यहाँ जो है एक ऑक्टोपस दे रखा है, स्कॉर्पियन है, एक टेपवर्म है, और एक जो मोलस्क है हमें वो दे रखा है। सो इसमें से जो है कौन सा सही है? कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक जो है जो एक आर्थ्रोपोड जो एक ऑक्टोपस और एक स्कॉर्पियन जो है, आर्थ्रोपोडा फाइलम जो कि कॉर्डेटा है, ये सारे जो है ए सिलोमेट्स हैं, ठीक है। और सी और डी जो है उनमें क्या है? ट्रू सिलोम्स हैं। यानी ऑक्टोपस और जो स्कॉर्पियंस हैं उनमें ट्रू सिलोम प्रेजेंट रहती है,
ऑक्टोपस एक मॉलस्क है जो बायलिटरली सिमेट्रिकल है, ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड सिलोमेटिक एनिमल है। और स्कॉर्पियन जो है क्या है, एक आर्थ्रोपोड है, ये बायलिटरली सिमेट्रिकल रहता है जैसे कि मोलस्क रहते हैं बायलिटरली सिमेट्रिकल, और ये भी जो है ट्रिप्लोब्लास्टिक सेगमेंटेड होते हैं, और मोलस्क भी जो है ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, और सिलोमेड एनिमल्स हैं, दोनों के दोनों सिलोमेड एनिमल्स हैं। तो ट्रू सिलोम जो है किस में प्रेजेंट है, ऑक्टोपस एंड स्कॉर्पियंस में, आर्थ्रोपोड एंड मोलस्क में, इनकी कैरेक्टर्स सिमिलर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन एग्जाम्पल ऑफ एनिमल हैविंग ए सिंगल ओपनिंग टू द आउटसाइड दैट सर्व्स बोथ एज माउथ एज वेल एज एनस, यानी एक एनिमल जिसमें एक ही ओपनिंग हो जो कि एनस और माउथ दोनों की तरह एक्ट करता हो, तो वो है जो फैसियोला है, जो फ्लैट वर्म है ये फैसियोला, जिसे हम शीप लिवर फ्लूक भी कहते हैं। ये डायजेनेटिक होता है क्योंकि ये दो होस्ट में अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है, प्लैटीहेलमिंथेस को बिलोंग करता है ये, और इनमें जो है इनकम्प्लीट एलिमेंट्री कैनाल रहती है, इसलिए इनमें जो है सिंगल ओपनिंग होती है इंजेशन एंड इजेशन के लिए, यानी खाने के लिए और एक्सक्रीशन के लिए जो है सेम ही ओपनिंग रहती है, इसलिए इनकी बॉडी जो है उसको हम ब्लाइंड सैक बॉडी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ऑल द फोर ऑफ स्पॉन्जिला, लीच, डॉल्फिन एंड पेंगुइन इज करेक्ट, इनमें से कौन सा जो है इन चारों के लिए करेक्ट होगा, ये डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स हैं। सो पेंगुइन इज होमियोथर्मिक वाइल द रिमेनिंग थ्री आर पोइकिलोथर्मल्स, ये सही नहीं है। लीच इज़ अ फ्रेश वाटर फ्रॉम वाइल ऑल द अदर आर मेरीन वाटर, ये भी सही नहीं है। स्पॉन्जिला हैज़ अ स्पेशल कॉलर्ड सेल्स कॉल कोइनोसाइट्स, जो क्योंकि ये स्पॉन्जिला जो है वो पोरीफेरा को बिलोंग करता है, ये एक स्पंज है, सो इनमें कॉलर्ड सेल्स रहते हैं एंड दे आर नॉट फाउंड इन द रिमेनिंग थ्री, ये बिल्कुल सही है इन सब के लिए, क्योंकि जो कॉनिडियाज जो रहते हैं जो कॉलर सेल्स हैं वो सिर्फ जो स्पॉन्जेस होते हैं उनकी ही कैरेक्टरिस्टिक है ये, बाकी जो लीच और डॉल्फिन और पेंगुइन है उनमें ये एब्सेंट रहती है। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सर्टेनली गिवन एनिमल्स इज करेक्ट, यानी इनमें से कौन सा जो है स्टेटमेंट वो बिल्कुल सही है। तो फर्स्ट है राउंड वर्म्स एस्केल्मेंथिस आर सूडो सिलोमेट्स, तो राउंड वर्म्स जो हैं फाइलम एस्केल्मेंथिस उनमें सूडो सिलोम ही होती है, यानी फॉल्स सिलोम होती है जो कि एम्ब्रियोनिक ब्लास्टोसील से बनी होती है, तो ये ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट है इसका। मोलस्क आर ए सिलोमेट्स, बिल्कुल नहीं, वो सिलोमेट्स होते हैं अभी हमने पढ़ा, उनमें जो है ट्रू सिलोम रहती है। इंसेक्ट्स आर सूडो सिलोमेट्स, तो इंसेक्ट्स जो है ये भी सूडो सिलोमेट्स नहीं है क्योंकि ये ऑर्थ्रोपोडा को बिलोंग करते हैं और इनमें भी जो है ये सिलोमेट एनिमल्स हैं, जैसे अभी हमने देखा था स्कॉर्पियन जो है वो इंसेक्ट इसी को बिलोंग करते हैं, तो वो सूडो सिलोमेट नहीं था, वो ट्रू सिलोमेट था। फ्लैट वर्म्स आर सिलोमेट्स, तो फ्लैट वर्म्स जो है वो ए सिलोमेट होते हैं, उनमें सिलोम प्रेजेंट ही नहीं रहती है, तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो हो जाएगा कि राउंड वर्म्स आर सूडो सिलोमेट्स, यानी जो एस्केल्मेंथीज हैं उनमें सूडो सिलोम पाई जाती है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग काइंड ऑफ एनिमल्स आर ट्राई ब्लास्टिक, इनमें से कौन सा एनिमल जो है वो ट्राई ब्लास्टिक है, तो जो फ्लैट वर्म्स होते हैं प्लैटीहेलमिंथेस के, ये ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स हैं, इनमें जो बॉडी वॉल है वो अरेंज रहती है थ्री लेयर्स में, बाकी जो स्पंजेस हैं और टीनोफोराज हैं और जो प्लीम्यूल्स हैं ये डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स हैं। यानी दो ही लेयर इनमें प्रेजेंट रहती है। नेक्स्ट है,
क्रोकोडाइल एंड पेंगुइन आर सिमिलर टू वेल एंड डॉग फिश इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स, यानी क्रोकोडाइल और पेंगुइन जो है वेल और डॉग फिश के सिमिलर है, कौन से फीचर से, किस तरह से जो है वो सिमिलर है। पॉजेस द सॉलिड सिंगल स्टैंडर्ड सेंट्रल नर्वस सिस्टम, नहीं। ले एग एंड गार्ड देम टिल दे हैच, ये भी इसमें सही नहीं है। एंड पॉजेस बोनी स्केलेटन, ये भी सही नहीं है। दे हैव गिल स्लिट्स एट सम स्टेज, क्योंकि इनमें जो है क्या रहती है, गिल स्लिट्स रहती हैं इनकी लाइफ साइकिल के किसी ना किसी स्टेज में, क्रोकोडाइल पेंगुइन है ना, तो इसलिए ये सिमिलर है किसके, वेल और डॉग फिश के। ये कॉर्डेट्स की क्या है खासियत है कि उनकी लाइफ साइकिल की स्टेज किसी भी स्टेज में जो है गिल स्लिट्स प्रेजेंट रहेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स इज बायलेटरली सिमेट्रिकल एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक, इसमें से कौन सा जो है वो बायलेटरली सिमेट्रिकल है और उसके अलावा ट्रिप्लोब्लास्टिक भी है। तो स्पंजेस हमने देखा तो एसिमेट्रिकल हैं वो, और उसके अलावा जो टीनोफोरा है वो बायरेडियली सिमेट्रिकल है ये, और डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स हैं अभी हमने देखा था। उसके अलावा सिलेंट्रेट्स जो निडेरियंस हैं, सिलेंट्रेट्स जो है वो रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं, रेडियली सिमेट्रिकल रहते हैं, और डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स हैं जैसे ओबीलिया एग्जांपल है इसका। तो बच गया एस्कल्मेंथिस राउंड वर्म, ये बायलेटरली सिमेट्रिकल होगा और ट्रिप्लोब्लास्टिक होगा, जैसे एस्कैरिस जो है इसका एग्जांपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ चेंज इन द अमाउंट ऑफ योक एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन इन द एग विल इफेक्ट, यानी अगर एग में हम अमाउंट ऑफ योक को चेंज कर दें, उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी चेंज कर दें, तो उसे क्या इफेक्ट पड़ेगा। सो द पैटर्न ऑफ क्लीवेज जो है वो उसमें चेंज हो जाएगा, क्योंकि द मोड ऑफ क्लीवेज जो है वो डिटरमाइन होता है बाय द अमाउंट ऑफ योग, कि किस कितना जो है उसमें योग प्रेजेंट है और उसकी डिस्ट्रीब्यूशन पे। सो होलोब्लास्टिक जो होता है उसमें क्लीवेज होता है इन विच द सेगमेंट्स सेगमेंटेशन लाइन्स पास थ्रू द एंटायर एग डिवाइडिंग इट कम्प्लीटली, जैसे फ्रॉग है, ह्यूमन एग है, फ्रॉग और ह्यूमन एग जो है उसमें कौन सा क्लीवेज होता है, होलोब्लास्टिक। जो कि पूरे सेल के थ्रू जो है पास होती है। एंड मीरोब्लास्टिक जो होता है जिसमें कि लाइंस ऑफ सेगमेंटेशन जो है वो कम्प्लीटली जो कम्प्लीट सेल है उससे पास नहीं होती और एक किसी छोटे से पार्ट में कन्फाइंड रहती है, जैसे इंसेक्ट्स हैं, बर्ड्स हैं और रेप्टाइल्स हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ एनिमल कंप्राइजेस जॉलेस फिश, इनमें से कौन सी जो है जॉलेस फिश है। तो लैम्प्रे तो हम जानते हैं कि जॉलेस है, ठीक है, उसका जॉ नहीं होता। और बाकी ईल और हैग फिश में से कौन सी जिस जो कि जॉलेस होती है, तो लैम्प्रे और हैग फिश जो है वो दोनों जॉलेस होती है, और हैग फिश को जो है हम माइक्सिन भी कहते हैं। ये क्लास साइक्लोस्टोमेटा को बिलोंग करती है और ग्रुप जो है इनका अग्नेथा है, वर्टिब्रेटा का अग्नेथा के, जिनमें जॉ नहीं होता है वो सारे अग्नेथा को बिलोंग करते हैं, लैम्प्रे एंड हैग फिश जो है। सो इनका माउथ जो है वो विदाउट जॉ होता है, तो माउथ वेंट्रल एंड सेक्टोरियल एंड सर्कुलर शेप का होता है इनका माउथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इन बर्ड्स इंडिकेट्स देयर रेप्टिलियन एंसेस्ट्री, यानी इसमें से कौन सा कैरेक्टर है जिससे हमें पता चलता है कि बर्ड्स जो हैं किससे इवॉल्व हुए हैं, रेप्टाइल्स से जो है इवॉल्व हुए हैं बर्ड्स, जैसे आर्कियोप्टेरिक्स जो है वो बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स के बीच में क्या है, कनेक्टिंग लिंक है। तो ये जो हमें कैसे पता चलेगा कि बर्ड्स जो है रेप्टाइल से इवॉल्व हुए हैं, तो उनका एग जो होता है एग विद अ कैलकेरियस शेल,
ये कैरेक्टरिस्टिक होता है किसका? रेप्टाइल्स का। टीएस हग्सले ने जो है बर्ड्स को कहा था ग्लोरीफाइड रेप्टाइल्स। तो बर्ड्स में जो है फोर चैम्बर्ड हार्ट रहता है, डबल सर्कुलेशन होता है, और जिससे कि जिसकी वजह से प्योर और इम्प्योर ब्लड की जो है मिक्सिंग नहीं होती है, और उनकी जो है हॉर्नी एपिडर्मल स्केल्स रहती है कन्फाइंड टू द लोअर पार्ट ऑफ देयर लेग्स। लेग और फीट में जो है स्केल्स होती है उनके। तो ये जो है एग्जैक्टली सेम है किसकी? रेप्टाइल्स की। इसके अलावा इनकी बॉडी जो है कवर्ड रहती है फेदर्स से, और वो होमोलोगस होती है, रेप्टिलियन हॉर्नी स्केल्स जो हैं उससे होमोलोगस है उनके फेदर्स। सो इससे हम पता लगा सकते हैं कि वो जो है किससे ओरिजिनेट हुए हैं, रेप्टाइल से जो है इवॉल्व हुए हैं बर्ड्स। सेल्युलोज इज द मेजर कंपोनेंट ऑफ सेल वॉल ऑफ। इनमें से किसकी सेल वॉल का जो मेजर कंपोनेंट है? सेल्युलोज की जो है सेल वॉल बनी होती है। तो जो पाइथियम है उसकी सेल वॉल किसके बनी होती है? सेल्युलोज की। ये 80 से 90% जो है सेल वॉल इसकी बनी होती है कार्बोहाइड्रेट्स की, और बाकी जो है प्रोटीन और लिपिड की बनी होती है। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फाइलम एनेलिडा। इनमें से जो है फाइलम एनेलिडा का कैरेक्टरिस्टिक कौन सा नहीं है? क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, सेगमेंटेशन, सूडोसिलोम वेंट्रल नर्व कॉर्ड। तो इसमें से जो है सूडोसिलोम जो है वो एनेलिडा का कैरेक्टर नहीं है। तो फाइलम एनेलिडा जो टर्म है वो किसने दिया था? लेमार्क ने दिया था। लेमार्क ने दिया था। इनकी बॉडी जो है वो लंबी होती है, इलॉन्गेटेड रहती है, बाइलेटरल सिमेट्रिकल होती है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होती है, यानी तीन लेयर्स जो प्रेजेंट रहती है इनमें। उसके अलावा ये ट्रूली सिलोमेट होते हैं। एनेलिड जो है उनमें ट्रू सिलोम पाई जाती है। जो बॉडी कैविटी है वो इनकी प्रेजेंट रहती है। ब्लड वैस्कुलर सिस्टम जो है इनका क्लोज रहता है। तो सुडोसिलोम जो है इसका कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। सेगमेंटेशन प्रेजेंट रहता है, वेंट्रल नर्व कॉर्ड रहती है उनमें, एंड क्लोज जो है सर्कुलेटरी सिस्टम रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फाइला इज करेक्टली मैच्ड विद द टू जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। दो जनरल कैरेक्टरिस्टिक दे रखे हैं और पूछा है कि कौन सा फाइला जो है वो करेक्टली मैच हो रहा है इससे। तो फर्स्ट है आर्थ्रोपोडा, बॉडी डिवाइडेड इंटू हेड, थॉरेक्स एंड एब्डोमेन, एंड रेस्पिरेशन इज बाय ट्रेकिया। ये बिल्कुल सही है कि आर्थ्रोपोडा जो है उनकी बॉडी जो डिवाइडेड रहती है हेड, थॉरेक्स एंड एब्डोमेन में। ये लार्जेस्ट फाइलम है ऑफ एनिमल किंगडम, क्योंकि इसमें ही सारे इंसेक्ट्स आते हैं और इंसेक्ट्स बहुत सारे हैं। तो ये लार्जेस्ट फाइलम है और इनकी बॉडी जो है डिविजिबल रहती है हेड, थॉरेक्स एंड एब्डोमेन में। हेड और थॉरेक्स जो है वो फ्यूज़ होके सिफेलोथॉरेक्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं? सिफेलोथोरक्स। उसके बाद जो कॉर्डेट्स हैं वो नॉन कॉर्ड से डिस्टिंग्विश रहते हैं, क्योंकि उनमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट रहती है और डोर्सल ट्यूबुलर सेंट्रल नर्वस सिस्टम रहता है, एंड फेरिंजियल गिल स्लिट्स भी जो है उनमें प्रेजेंट रहती है कॉर्डेट्स में, उनकी जो है लाइफ साइकिल के किसी एक पार्ट में। ठीक है, इकाइनोडर्मेटा है वो जो है रेडियल सिमेट्रिकल होते हैं, और ओरिजिनली जो है ये पहले तो बायलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं। जो इनके लार्वा फॉर्म रहता है वो बायलेटरली सिमेट्रिकल रहता है, लेकिन जब ये ग्रो हो जाते हैं, जब ये एडल्ट हो जाते हैं, तब इनमें रेडियल सिमेट्री आ जाती है, जैसे स्टार फिश जो है। और मोलस्क जो है वो डाइशियस भी हो सकते हैं, मोनोइशियस भी हो सकते हैं,
और ये जो है सॉफ्ट होते हैं, जैसे ऑक्टोपस वगैरह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज कॉमन बिटवीन पैरट, प्लेटिपस एंड कंगारू? जो कंगारू और पैरट और प्लेटिपस के बीच में क्या कॉमन है? तो इनमें जो है होम्योथर्मी, ये कॉमन है इनमें, ये होम्योथर्मिक एनिमल्स हैं सारे के सारे। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम और क्वेश्चंस करेंगे। तब तक अच्छे से पढ़ाई कीजिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।